कितनी सारी अनुपमा। मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ बाहर जब जाऊ जैसे भी जाऊ आपको क्या। क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 हफ्ता। काका पल्लवी बेटा ये तुमसे मिलने आए। अभिजीत तुम यहाँ? अभिजीत? हाँ काका ये कृष्णा का भाई अभिजीत है। ओ हेलो एक मिनट। पल्लवी जी मैं आपको कब से कॉल कर रहा था आप फोन ही नहीं उठाती। हाँ वो अचानक मेरी आंख लग गई थी और पता नहीं कैसे फोन साइलेंट पे चला गया था। पल्लवी जी एग्जीबिशन का सारा काम हो गया ना, कल हमको 5 साड़ियां सबमिट करनी है और मैं तो कह रहा हूँ उसको ऐसा पैक करेंगे। अभिजीत अभी तक एक भी साड़ी पूरी नहीं हुई है, सुबह से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मुझे नहीं लगता रात भर काम करने के बाद भी मैं 5 साड़ियां पूरी कर पाऊंगी। पल्लवी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मुझे कढ़ाई का काम भी आता है, हम मिलकर काम करेंगे तो सारी साड़ियां बन जाएंगी। अभिजीत मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, तुम वहां से शुरू करो। पल्लवी जी मैं पहला वॉशरूम हो क्या हूं? हाँ जरूर उस तरफ। जी पल्लवी जी। मैं पहुंच चुका हूं, काट दो लाइट। अरे ये लाइट को अचानक क्या हो गया? पूरे एरिया की लाइट गई है लगता है। राघव राव तेरी मौत का काउंटडाउन शुरू हो। पल्लवी जी ये लाइट कैसे चली गई? पता नहीं पूरे एरिया की लाइट गई है, भगवान जाने कब तक आएगी। सारा एम्ब्रॉयडरी का काम बाकी है, बहुत ही बारीक काम है, उसके लिए तो पूरी लाइट चाहिए होगी, अब हम कैसे काम करेंगे। पल्लवी जी इस एरिया के बाहर आपका कोई फ्रेंड हो या कोई पहचान वाला जिसकी आपने कभी हेल्प करी हो और वो आज आपकी हेल्प कर दे। हाय पल्लवी आई एम फाइन एंड थैंक यू मेरा जान बचाने के लिए, आई ओ यू वन। क्या हुआ पल्लवी जी? तुमने सही याद दिलाया अभिजीत, एक इंसान है। अब क्या हुआ सारी का दुकान? तुम ही ने कहा था ना यू ओमी वन, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, तो मेरी एक हेल्प कर दो और तुम्हारी जो जान मैंने बचाई उसका हिसाब बराबर। बातें घुमाने का बहुत शौक है ना, तो पॉलिटिक्स में जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप बताओ काम क्या है। एक्चुअली मेरे एरिया में पावर कट है और कल एक कॉम्पिटिशन के लिए मुझे 5 साड़ियां तैयार करके देनी है, तो काम के लिए आज रात तुम्हारा हॉल चाहिए होगा। ठीक है कितने बजे आ रहा है तुम? डोर खोलो बाहर ही खड़ी हूँ। व्हाट? मेरा घर के सामने टेंट काट के रखा है क्या जो कभी भी टपकाता है? थैंक यू राघव, तुम्हारी इस हेल्प के लिए तुम्हारा पुराना 10% गलत का माफ। अब मैं काम करूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। 10% माफ? सारी का डिस्काउंट दे रहा है क्या? चलो आ जाओ। अरे अभिजीत आ जाओ। आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लगता है जैसे मैं इसे जानता हूं। तुमको अंदर आने का परमिशन दिया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कृष्णा का भाई है, मेरी हेल्प करने आया है। Thank you.
अभिजीत हम इस साड़ी से शुरू करेंगे, इसके पूरे बॉर्डर पर जरीर लगानी है, ठीक है? सॉरी वो टाइम कम है ना इसीलिए। इट्स ओके, मेरे को भी मेरा काम करने का है, तुम चुपचाप अपना काम करो और यार गंदगी नहीं करने का। या शो मेरी कान जेब से कैसे गिर गई? रुको। इसको इतना पसीना कहीं को आ रहा है? अब इतना भारी टेबल खिसकाएगा तो पसीना तो आएगा ही ना। इतना भारी टेबल? हाँ नहीं तो। रुको मैं करता है। लो टेबल आ गया, आप सारी डाल दो। मैडम मूवी खत्म हो गया। चलो विजय। इसने भी वही किया जो उस होटल वाले आदमी को करते हुए देखा, कहीं ये लायन तो नहीं? पिछली बार की तरह वापस मेरे पे अटैक करने के लिए कहीं ये पल्लवी का सहारा तो नहीं ले रहा? पर ये लायन है तो अब तक मेरे पे अटैक क्यों नहीं किया? इस आदमी को पहला मिल चुका है क्या? तुम पहली बार मिले हो ना इस राघव से? जी। इसके खड़ूसपन को ना इग्नोर करना, ये ऐसा ही है। वो तो अच्छा है कि उसने हमें काम करने की परमिशन दे दी। फटाफट काम करके यहाँ से चलते हैं। जी। ये सुई का डब्बा कहाँ गया? पल्लवी जी, वो सुई का डब्बा आप शायद घर भूल गई। नहीं नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैं लेकर आई थी। पल्लवी जी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी बहुत काम करना है। आप राघव जी से पूछ लीजिए, उनके पास होगा सुई का डब्बा, हम ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है we
यह आदमी लाया नहीं है या मैं ज्यादा सोच रहा है? मुझे पता था तुम यही होंगे। चाय लेने गए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, इतना डिस्टर्ब हो गए कि सीधा अंदर आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमको क्या होना? मुझे सुई धागे का डब्बा नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास है क्या? सुई धागे का डब्बा? आई नो तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या पता तुम्हारी हाउस हेल्प ने कहीं रखा हो। और वैसे भी अमीरों को कहाँ पता होता है उनके घर में क्या रखा है। देखो ना, चेक करके बताओ है कि नहीं, अर्जेंटली चाहिए। घर में कहाँ तो पड़ा हुआ रहेगा, जाओ ढूंढो। ये सारी का दुकान भी ना, नंबर 17। लायन मींस नंबर 17। नंबर 17। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।